This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Billon Construction, and by Edify International School. KBN Premier League Season 2 का आज player selection था, जहां पर more than 400 players attend करे और अपना trials भी दिए. इस मौके पर साथ ही साथ official press conference भी रखी गई थी. जहां पर केबिन प्रीमियर लीग की कमेटी ने बताया मीडिया को के क्या क्या नेसेसरी चेंजेस इस बार के हैं और क्या क्या एडवांटेजेस. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 टीम के ओनर्स भी शामिल थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीम ओनर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखा गया, जहां पर ओनर्स को ऑक्शन और अदर डिटेल्स दिए गए. आइए देखते हैं केबिन प्रीमियर लीग सीजन 2 का प्रेस कॉन्फ्रेंस. इस साल भी एडवर्टाइजमेंट देकर हम क्रिकेटर्स को रजिस्टर करने के लिए इनवाइट किए हैं और तकरीबन 412 रजिस्टर हुए हैं क्रिकेटर्स, जिसमें से अब चुनकर 200 के करीब रखेंगे और ये 8 टीम्स बनेंगे और इंशाल्लाह हम ये इसको कामयाब बनाएंगे और नए नए चीज़ें इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं. गुज़िश्ता बार हम लोगों ने 9 दिन का टूर्नामेंट था, उसमें एक एक टीम को 3 मैचेस का चांस दिया जाता था, उससे फिर सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट होते थे और फिर फाइनल. इस साल हम लोगों ने उसको IPL जैसा खेलते हैं उसी फॉर्मेट पर पूरा लाया है. लीग मैचेस कोई पूल सिस्टम नहीं होगा, हर टीम को 7 मैच खेलने का मौका मिलेगा और 7 मैचेस में से जो भी टॉप 4 टीम्स होंगे वो लोग क्वालिफायर 1 में जाएंगे, फिर एलिमिनेटर होगा, फिर क्वालिफायर 2 होगा, उसके बाद फिर फाइनल खेलेंगे. VR सिस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं जो नया आएगा इंशाल्लाह, जो कि VR है, वर्चुअल रियलिटी. आप फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू वो ऐसे पोजीशंस पे रहेगा, वो अगर VR का जो ग्लास होती है वो अगर आप पहन कर देखेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि आप स्टेडियम में ही बैठे हैं. और जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जिस तरीके से गुज़िश्ता बार शामिल हुए थे, इस बार फिर से वो तशरीफ़ लाएंगे फ़ाइनल के दिन, चूंकि वो ब्रांड एम्बेसडर भी हुए हैं ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के. ही हैज़ बॉट अ टीम एंड ही इज़ इंटरेस्टेड टू सपोर्ट अस इन दैट. हमारे पास इस साल भी हम लोगों ने पैसे इन्वॉल्व नहीं किए हैं ऑक्शन में, ये पॉइंट्स सिस्टम के थ्रू ऑक्शन किया जाएगा. हर टीम को 5000 पॉइंट्स दिए जाएंगे और कैटेगरी वाइज, जैसा कि जोन रेगुलर प्लेयर है जो स्टेट को या जोन को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो 100 से शुरू होता है बेस प्राइस, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है. 250 स्टेट प्लेयर को दिया गया है क्योंकि वो सबसे टॉप प्लेयर होता है, तो उसी तरीके से उनकी बिडिंग होगी वहाँ पर फर्स्ट को. फिर 20th को हमने इनॉग्रेशन रखा है और डिटेल्स हमारे ताहिर साहब देना चाहेंगे स्पॉन्सर्स के वगैरह, क्योंकि स्पॉन्सरशिप गुज़िश्ता बार भी बहुत अच्छी रही थी. हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी और ज़्यादा हो, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जुड़े हैं. तो कंटिन्यू कीजिए. फिलहाल मेरे साथ एडिफा इंटरनेशनल स्कूल की टीम है जो कि MS कीमेल टाइटंस टीम को परचेस किए हैं, वक्त दे रहे हैं विजय पाल साहब और आतिक साहब. विजय पाल साहब, क्या मंशा था एग्जैक्टली टीम लेने के लिए? सर, फर्स्ट थिंग एज ए क्रिकेटर, मैं भी एक क्रिकेटर था जी, और मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हूँ इससे पहले जी. फर्स्ट इट इज़ ए बूस्ट टू सपोर्ट द अपकमिंग प्लेयर्स एंड सेकेंडली वी हैव कम अप विद ए बिग वेंचर एडिफा इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं हम. काफ़ी प्लेयर्स आपको जुड़ रहे भी हैं, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी टाइटंस के लिए? पहली बार हम लोग ये टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं जी जी, इंशाल्लाह देखेंगे अच्छी रणनीति बना के उतरेंगे. वेल, वी गॉट अनदर ओनर मोमिनपुरा वॉरियर्स विच इज न्यू टीम क्रिएटेड हियर. काफ़ी बड़ा क्राउड है मोमिनपुरा वॉरियर्स का और हमारे साथ वक्त दे रहे हैं जहीर साहब जो कि NIFS इंस्टीट्यूट बिलोंग करते हैं, उमर साहब लिमरा के. जहीर साहब, NIFS इंस्टीट्यूट क्यों इस बार इंटरेस्ट लिया है केबिन प्रीमियर लीग के अंदर?
NIFS इंस्टीट्यूट इस बार इसलिए इंटरेस्ट लिया है कि बचपन से हमको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, हम चाहते थे कि कुछ आगे बढ़े क्रिकेट में बस, बट उस टाइम वो प्लेटफॉर्म नहीं था right. जिस तरह का प्लेटफॉर्म अभी साहेब किबला ने और MSB ने मिल के गोहाश चैनल वालों ने सबने मिल के जो बनाया है right. एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गुलबर्गा के लोगों के लिए और क्रिकेट ट्रेंड चेंज हो रहा है गुलबर्गा में बिल्कुल. पहले कहीं भी टेनिस बॉल खेलते हुए दिखते थे right. सारे प्लेयर्स right. अभी जब से KBN प्रीमियर लीग 2 अनाउंस हुआ है हर ग्राउंड में लेदर बॉल से प्रैक्टिस चल रही है जी जी. तो एक गुलबर्गा के क्रिकेट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. जाना माने यूथ में आप हैं, तो इस बार क्या मंशा थी लेने की? मेरी लास्ट टाइम भी मैं ख्वाहिश कर रहा था लेने की, लेकिन इस बार सोच लिया था कि लेना है अब टीम जी जी. तो जहीर भाई से मैं डिस्कस करा जी जी. तो ठीक है, उन्होंने डन बोल दिए तो टीम ले लिए हम लोग. वेल गिविंग मी टाइम इज डॉक्टर अर्शद, वी बिलोंगिंग टू स्टेशन ईगल, जिसमें सेकंड टाइम अपने टीम को रिटेन किया है. और सब टीम रिटेन क्यों की गई और क्या वजह है KBN प्रीमियर से जुड़े हुए रहने की? वैसे जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ MM ग्रुप को एग्जैक्टली और आई एम थैंकफुल टू सज्जाद साहब, खुसरो हुसैनी साहब, अली साहब, मुस्तफ़ा साहब हु हैज़ रिटेन दिस गेम. और इससे क्या है कि हमारा मेन इंटेंशन है टू प्रमोट स्पोर्ट्स. हमारा वापस रिटेन करने का भी यही इंटेंशन था कि वी वांट टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन इट. तो यही देख के जो है और लास्ट टाइम का जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज किए थे एज यू आर विटनेस फॉर इट के इवन द ऑक्शन से ले लेके गेम से ले लेके हर चीज़ में एकदम डेवलप्ड उस पर जो है देखने को मिला. और ये टाइम और उससे ज़्यादा अच्छा होगा बोल के भी जो है हम उसमें इन्वॉल्व हुए हैं. यंगस्टर क्रिकेटर ही वेयर संतराशवाड़ी स्ट्राइकर से पिछले साल खेल चुके हैं, इस बार संतराशवाड़ी टीम को ओन कर रहे हैं उनके अलॉन्ग विद जिलान साहब. मोहसिन क्या वजह थी कि टीम परचेस करना सोचे आप लोग संतराशवाड़ी स्ट्राइकर्स, खास करके आपने बहुत इंसिस्ट किया कि संतराशवाड़ी स्ट्राइकर्स आपको होना है, व्हाट वाज द रीज़न? इसके पीछे रीज़न यही था कि यहाँ के लोकल क्राउड का सपोर्ट मिलता है, वही सबसे बड़ा रीज़न था संतराशवाड़ी स्ट्राइकर्स का जी जी. और उसकी ब्रांड वैल्यू अलग ही है संतराशवाड़ी स्ट्राइकर्स, तो वही हमारा रीज़न था संतराशवाड़ी स्ट्राइकर्स को जाने जी. का माई टीम को MJ कंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट करी, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो 5 years पहले स्टार्ट हुई थी, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था वो कंपनी. मेरे साथ फिलहाल मीर मुतहिर अली खान साहब हैं जो कि फिलहाल MM के फॉरेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ मिस्टर जिलान भी हैं. तो मुतहिर खान साहब, आप पिछले साल भी MNCI टीम लिए थे, इस बार भी MNCI रॉयल्स पर प्रेफरेंस आपने दिया है, वही टीम को रिटेन किया है, क्या है इस बार का फोरकास्ट क्या है आपका? सबसे पहले मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि फिर से एक मरतबा वो मौसम आ गया, वो बहार आ गई कि फिर मैदान में वो गूंज होंगी, फिर आवाज़ें होंगी, फिर IPL का, KBNPL का फिर वो एक मज़ा होगा जो हमने पिछले साल देखा था. अब फिर एक मरतबा हम देखेंगे, लोग शोर करेंगे, पुकार करेंगे, गुलबर्गे में और पूरे अतराफ में हलचल होगी. ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बड़े साहब का और हमारे अली बाबा अल हुसैनी साहब किबला, और ये इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है जो हमारे गुलबर्गा शहर में. मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर करामत साहब हैं जो कि मार्केट सुपर किंग्स टीम को ओन करें, साथ साथ को ओनर आसिफ मामूरी साहब भी हैं. डॉक्टर साहब, क्या वजह थी कि मार्केट सुपर किंग्स को चूज़ किया और आपने KBN प्रीमियर लीग में इस बार इस सीज़न में आपने टीम परचेस क्यों की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु. मार्केट सुपर किंग्स को लेने का एक मकसद था कि बाज़ार के मेरे काफ़ी दोस्त हैं जी. तो एक थोड़ा एटमॉस्फियर क्रिएट करने के वास्ते जी जी वो टीम को मैं प्रीफर करा था. और अली साहब भी मेरे को बोले थे कि ये टीम की एडवाइस करे थे पहले से, तो मैं राज़ी हो गया इस टीम के वास्ते जी जी. तो यानी यंगस्टर्स के लिए क्या लगता है, सच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये और आपकी टीम के अंदर कुछ एनर्जी आएगी इस बार, क्या ऑक्शन के लिए क्या सोचें आप? इंशाल्लाह, ये तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखेंगे आगे आगे. यंगस्टर्स को तो बेशक अच्छा चांस है कि अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म के वास्ते आगे स्टेट लेवल जो भी है खेलने के वास्ते देखेंगे इंशाल्लाह, बेस्ट तो करना है. तो मार्केट सुपर किंग्स के चांसेस क्या है ज़रा बताइए कुछ चांसेस? लास्ट टाइम तो विन है तो इंशाल्लाह ये टाइम भी उम्मीद करेंगे अल्लाह से अच्छी. राइट, तो मार्केट सुपर किंग्स प्रीवियस फ्रेंचाइजी हैड वन द टूर्नामेंट लास्ट टाइम अराउंड, बट इस टाइम टूर्नामेंट को टीम को रिगेन नहीं की गई. तो डॉक्टर करामा साहब और आसिफ मोहम्मद साहब ने टीम को लिया है मार्केट सुपर किंग्स. तो ये थे टीम हाईलाइट्स, कौन से ओनर्स ने कौन से टीम को लिया हम आपको बताए हैं. तो आपको और ज़्यादा जानकारी के लिए GOHASH आप देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें.